आज कितने घंटे के लिए? 6:30 बजे ना भाई, 9 बजे ये मतलब इंटरव्यू इस वक्त हमारे साथ देख रहे हैं आप कॉमेडियन सुनील पाल जी हैं और टंकी देखने आए हैं। हम इससे बात करते हैं कि इतने सुबह सुबह जो है थिएटर में आ गए हैं, सर क्या कहना चाहें आप? तो देख रहे हैं, देखिए शाहरुख शाहरुख हर तरफ एक ही नारा लग रहा है शाहरुख, क्योंकि और मैंने टोपी भी पहनी है, एक स्टार दिख रहा होगा, नंबर वन स्टार शाहरुख खान के लिए, क्योंकि मैं शुरू से ही उनका फ़ैन रहा हूँ, मैंने उनकी हर फिल्म देखी है। आज सुबह मॉर्निंग का शो है तो मैंने कहा पहला दिन पहला शो देखूंगा और 3 टिकटें भी खरीदी है, इसका मतलब है हैट्रिक। शाहरुख खान की जवान और पठान के बाद डंकी जो है हैट्रिक होगी। 2000 करोड़ का बिजनेस तो बनता है भाई, 1000 करोड़ शाहरुख खान के लिए और 1000 राजकुमार हिरानी के लिए, दोनों जादूगर हैं, दोनों बाजीगर हैं। सर ये साल जो है शाहरुख खान के लिए काफ़ी अच्छा रहा है, पहले पठान आई फिर जवान और अब डंकी, तो साल का जो खात्मा हो रहा है वो शाहरुख खान की फिल्म के साथ हो रहा है बॉलीवुड में, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या एक नए ट्रेंड की शुरुआत बॉलीवुड में हो रही है जैसा कि पिछले कई सालों से नहीं देखा? दो एक्शन फिल्मों के बाद शाहरुख खान की फिल्म, ये जो थोड़ी रोमांटिक फिल्म है, क्योंकि इसका सबूत ये कि 21 को रिलीज़ हो रही है, ये रोमांटिक फिल्म है, और मैं समझता हूँ कि दो फिल्में पहले ही हिट दे चुके, एक अभी देने वाले, तो ये 21 वैसे भी बनता है ना, तो ये हैट्रिक होने वाली है, इनके पास हिट फिल्म देने की हैट्रिक। और मैं समझता हूँ कि सालार को भी मैं शुभकामना देना चाहूँगा, हालांकि अल्लू अर्जुन ने कहा था झुकेगा नहीं साला, प्रभास कह रहा झुकेगा नहीं सालार तो मैं समझता हूँ अगर आप अपने ही अंदाज में नूरा के अंदाज में अगर विश करें शाहरुख खान को इस फिल्म के लिए तो किस तरह से करेंगे? बहुत दिनों के बाद फिल्म बनी है ढंकी, जिसका नाम है डंकी, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है ये मंकी, ये फिल्म देखो और नहीं देखने वाला आदमी होगा हाँ हाँ समझ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे सुनील पाल जी जो हमसे बात कर रहे थे। इस फिल्म को लेकर क्या उत्साह है इनके लिए? तो आप देख रहे हैं फैंस जो है अब फाइनली थिएटर के अंदर जा रहे हैं और बस कुछ ही पलों में डंकी का पहला शो शुरू होने जा रहा है और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि डंकी को लेकर जो पब्लिक का रिएक्शन है वो कैसा रहा, कैसी लगी फिल्म लोगों को। हमारे साथ बने रहिए, कैमरामैन खालिद और मैं आपके साथ फिर से हाजिर हो जाऊंगा। 2 घंटे 40 मिनट की ये फिल्म है और फिल्म के बाद लोगों का रिएक्शन जानने के लिए हम ज़रूर आएँगे।